कहना चाह रहा हूँ कि इंद्रदेव भी लगता है कि हमसे ज्यादा क्यूरियस थे, पूरी दुनिया से ज्यादा क्यूरियस थे ये ट्रेलर देखने के लिए, इसलिए कल पानी इतना गिरवा दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ना कल जी भर के दुआएं बरस रही थी, आपको मौका दिया बाद में, दुआएं बरस रही थी, मैं तो यही कहूंगा। ये इतने ठंडे पानी में जो मैंने देखा, मैं भी करता था, मैंने भी किया वैसे, ऐसा नहीं, आप मुझे जानते हैं 60 साल से, लेकिन मैं कभी कभी ब्रांडी ले लेता था। करण योर सेंटर, संस्कार जरूर लिए हैं बहुत, लेकिन अगर एक्टिंग और दूसरी चीजों की बात करें तो वो उसमें आपको क्या लगता है? मैं गांव से आया था साहब, कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गया, मुझे रिएक्शन आता है, एंड एक्टिंग इज जस्ट रिएक्शन, और इमोशनल इंसान रिएक्ट फास्ट करता है। किसी ने कुछ प्यार से बोल दिया तो काम से, किसी ने कहा पी ले दो गुण तो बोतल ही पी गए, मतलब हम ऐसे लोग हैं, इमोशनल है, इमोशनल आदमी रिएक्ट कर, इमोशनल आदमी कुछ बुरा कह दे तो वो भी है, यू नो वी रिएक्ट फास्ट। पर हमें मालूम है सिचुएशन की, अगर मैं प्रतिज्ञा में ट्रक ड्राइवर हूँ तो पुलिस ऑफिसर बन गया तो गाना कैसे गाएगा, वो ऐसे ट्रक ड्राइवर की तरह गाएगा, वो हमारे अंदर क्वालिटी है। मैं भी कहीं सीख के नहीं आया था कहीं से, आपके सामने हूँ, 60 साल हो गए, चल ही रहा हूँ, तो ये भी कर लेंगे सब हम लोग, आपके और बगैर आपकी दुआओं के, उसके आशीर्वाद के कुछ नहीं होता, ये भी मैं कहता हूँ, और दुआएं लेनी हमें आती हैं। हेलो, मुझे पिछले दिनों लगा मैं बहुत ज्यादा बकवा करता हूँ तो उनको बोलना चाहिए, मैं इसीलिए बोला नहीं कुछ ज्यादा। नहीं, ये उस तरह, मैं तो चाहता हूँ इस तरह से आए, लाड प्यार करें, वो अभी वक्त बदल गया कुछ, हर चीज जैसे मोहब्बत तो नहीं बदलती कभी, उन्होंने पूछा लव का क्या है, लेकिन लाइफ में एक स्पीड आ गई है, फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, फट 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 करो इसको, सब एक दो भगदड़ में रहते हैं, हमारे वक्त में ठहराव था, मैं भी माँ बाप के पास बैठता था, ये भी बैठते हैं, लेकिन इनको फिर लगा तो ही इज़ गुड। शैतान बेचारा, पहले देखो मैं, मेरे पास एक गन थी 30 स्प्रिंगफील्ड, मैं एक रिवॉल्वर रखता हूँ, तो ये सुबह वेपन, बड़े पापा, ही कॉल्स मी बड़े पापा, वो वेपन, वो रिवॉल्वर दिखाओ, मैंने दिखाया तो एक दिन मैं लोड था, गन लोड थी, लकीली जो मेरी फॉल्स सीलिंग थी ऊपर ऊपर, छत भी ऐसी कमज़ोर थी, तो पट्ठे ने ट्रिगर दबा दिया से आवाज, तो मैं सुन यार ये कुछ भी हो सकता है, मेरे तो गन ऊपर थी, थोड़ी सन्नाटा हो गया यार, कुछ भी हो सकता था, तो मुझे कहता है बड़े पापा आई गो डाउन, मैं गो डाउन यार, तुम मेरे हिला के रख दिया, फिर उसके बाद आया नहीं, मेरे पास काम आने लगा, पता नहीं क्यों, फिर शुरू में आता था, गुड बॉय, आई लव हिम। लास्ट क्वेश्चन, हेलो लास्ट क्वेश्चन। Hey, hi Karan, this is Ravi Gupta here from Filmy Fever. Many congratulations for your debut film. Thank you. And entire team. Karan, एक पिता जो होता है, you know, बहुत अच्छा दोस्त होता है, साथ ही साथ बहुत अच्छा शिक्षक भी होता है, आज टीचर्स डे है, कोई ऐसी बात आपने सनी सर से सीखी हो जो आप अपने रियल लाइफ में रिटेन करते हैं, और ऐसी बात आप सबको बताना भी चाहेंगे जो हमारी यूथ को फॉलो करना चाहे? See, dad always told me never to give up. क्योंकि lot of his movies didn't work in between, and I saw him over there as a child at the age of 13-14. He had a back problem, he couldn't get out of bed, and as a child you think, what can I do for my father? Dad, I also want to work, but at that age, unfortunately, I couldn't do anything to make him feel better. But he always says that at these moments, that's what shape you as a man, and never give up and always push on, and my father has never given up. And he's always told me what you feel in your heart, 100% do that and never give up, because the world is ready to put you down. But it is up to you to stand up, stand tall and move on like he has, and hopefully I've learned that from him. Karan ji and Seher ji, aakhri sawal ye, you know ki present time mein jo actor aa rahe hain wo bahut hi acha gaana bhi gaate hain, and Karan ji aapne Ranveer Singh ka naam liya, wo bahut hi acha rap karte hain, Seher ji aapne Alia ka naam liya, wo bahut hi acha gaana gaate hain, aap log bhi aise gaana
कोई गात गुनगुनाते हैं या इच्छा रखते हैं या हम फ्यूचर में देखेंगे आप लोग? You rap. I didn't hear your voice in one of the songs. I rap, but no. Your favorite, कुछ भी आप गा सकते हैं अगर आप गाना गाते हैं. सहर जी Eminem का गाना है, Hey Lee, I know you miss your mom and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad even when you smile, even when you laugh. I could see it in your eyes, deep inside you wanna cry cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears, daddy's here, no more nightmares. सहर जी आप भी गाती हैं? नहीं मैं नहीं गाती हूँ. बादल यू बरसता है कल उन्होंने गा लिया था इंस्टाग्राम पे. थैंक यू सो वेरी मच पार्टी. आई थिंक द मोस्ट एक्साइटिंग इंस्टाग्रामर दैट इज राइट नाउ आउट देयर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक अ सीट. मैंने आपके इंस्टाग्राम पोस्ट देखे हैं. आप इस फिल्म को उतना ही प्रमोट कर रहे हैं शायद ज्यादा. Then the gentleman I'm going to call on stage, the boy who absolutely looks like a complete image of his father, Karan, can we please have you on stage, Rocky Rockstar, and the gorgeous Sahar, who obviously has some jigra herself to do what she just did. That was unbelievable, both of you. Please come up on stage. Maybe please welcome the newbies with a huge round of applause. Come on. There's a lot of effort that's gone in, everybody. Karan, you can come here. Sorry. Center stage for both of you all. Thank you. सबसे पहला सवाल धर्म जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी. आपने तो फिल्म को इस कदर प्रमोट किया है, ऑब्वियसली ये बहुत इमोशनल मोमेंट है टू सी करण टेक हिज प्लेस ऑन स्क्रीन. पहले तो आज मीडिया से आए हुए तमाम भाइयों को बहुत सा प्यार, बहुत सारी दुआएं. दोस्तों आज मुझे ऐसे लग रहा है करण मैं हूं और मेरी फिल्म रिलीज होने जा रही है. वही धड़कने हैं, जज्बाती इंसान हूं. मैंने सनी को छोड़ दिया था, बेटे जैसा तुम चाहो. हमें फिल्म बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही फिल्म बना. We must carry on with some good films. He said, Papa, I promise you I'll do that. So I didn't see much of the picture also. I saw the songs and was quite happy. Now after seeing all this was on the screen today, I can only say, where eagles can't dare, my son Sunny can dare. My unit can dare. I was watching everybody. I love this strong unit who has been carrying all the luggage going up so much high. जहाँ सांस भी नहीं लेते यहाँ पे ऑक्सीजन कमी कमी है. बहादुर हो यार. मैं हकीकत में खरदुंगला पास वर्ल्ड हाईएस्ट रोड पे शूटिंग की है मैंने भी, तो ये मेरा नाम रोशन करेंगे मुझे लग रहा है. पूरी यूनिट ने बहुत काम किया है. स्टोरी में भी दम है, रोमांस है, सब है. तो बेटे मेरी धड़कने तुमसे ज़्यादा तेज हैं. कल सारा दिन वो उसकी दुआएं भी बरसती नहीं सारा, इतनी बरसती नहीं कि आप कल आइए, आज मुझे बरस लेने दो, मुझे दुआएं दे लेने दो, ऐसा लगा मुझे. आज आपकी दुआएं पाने के लिए हम आए हैं. हमने अच्छी फिल्म बनाई है. मैं सारी यूनिट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. अब रिजल्ट तो उसके हाथ में. कल आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है, उनकी आवाज़ क्या कहती है कल इस रिलीज के बाद पता चलेगा. लेकिन उम्मीद पे जिंदा हैं हम. हम हारने वाले नहीं हैं. जो 60 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में आए हुए, मैंने जी भर के प्यार पाया है. उसकी मेन रीज़न इज़ आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन. मैंने कभी अपने आप को अच्छा कहलाने की कोशिश नहीं की है, मैंने अच्छा बनने की कोशिश की है. अच्छा बनोगे तो अपने अच्छा लोग अच्छा कहेंगे. यहाँ हमारे आर्टिस्ट लोग सिर्फ अच्छा कहलाने में लगा रहते हैं, गिर जाते हैं बेचारे, फिर चढ़ते हैं. कोशिश करो शुरू से अच्छा बन के चले हो, समझे बेटे. मैं कह किसी से रहा हूँ, सुना तुझे रहा हूँ. टू बी हम्बल, टू बी नाइस, टू बी गुड विद यूनिट,
That you are. I think I can see you are more emotional than I. और मेरे बेटे दोनों ही रो पड़ते हैं मुझे देख के यार. हमारी फैमिली में हम लोग इस इंडस्ट्री में होके भी इस इंडस्ट्री के नहीं हैं, वही गांव के हैं. तो बाकी मेरे बच्चे, मेरी बच्ची को आपको बहुत सी दुआएं बेटे. शी हैज डन वंडरफुल. कहाँ कहाँ बेचारी को लटका दिया पहली पिक्चर में. लव स्टोरी, मोहब्बत तो कहते हैं कि जानलेवा होती है. ये मोहब्बत तो जान जान जानलेवा लग रही है मुझे. कहते हैं मोहब्बत जानलेवा होती है, मगर ये मोहब्बत तो बहुत प्यारे हो बच्चे. खुश रहो. अब अपने आज इनका दिन है, इनसे पूछिए. मेरी दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं चाहिए, बस मैं इतने कहता हूं. धर्मपाल जी, सॉरी टू कट यू, बट आई वांट एवरीवन टू क्लैप फॉर हिज फैमिली. व्हेन द रेन्स हैपेंड दे गेट आउट ऑफ देयर होम्स फ्रॉम देयर बंगलोज एंड हेल्प कॉमनर्स. इसके लिए मैं आपकी सीरियसली एज अ मुंबईकर आई कैन नॉट थैंक यू इनफ. कल भी वो सिचुएशन थी एंड आई थिंक कुछ तो है. सनी जी कैन सी द फ्यूचर बिकॉज इसमें भी वो बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश उन्होंने कहा एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड यस्टरडे. आई विल वांट टू मूव ऑन टू योर ग्रैंडसन. Karan, I don't know how you're feeling. Your dad isn't here today. I know it's very, very emotional because he was a complete bundle of nerves yesterday. जब उनको पता चला कि कल लॉन्च नहीं होगा, and he is just as emotional as he. So I don't know how you're feeling without him. कैसे लग रहा है? Because of the unfortunate accident in Gurdaspur, he's not here today. And prayer and condolences from the whole Palpal team to those families that were affected by it. And he is gone to do his duty, and he has confidence in me that I will do mine. So, from here, it's my turn to push on and take lead. Always doing the right thing. That's what Dad is all about. Always doing. Sure, his grandson is so good. So emotional person. Beyond. Sabka, sare jahan ka dard hamare jigar mein hai, dosto. Sweet. Karan, I have to ask you this. He is also a realist, your dad. So when you did, and I've seen many interviews where you said, yes, you know, suddenly you told him, I want to be an actor. Jisme aap bahut katra rahe the. Were you scared he's going to give you a reality check? And did he give you a reality check? Yes, he did give me a reality check because I was scared. Because you know, with the industry, whatnot, there's a lot of negativism, there's a lot of criticism. And everyone's entitled to their opinion. No one's right or wrong. Because there'll always be good and bad opinions, and he's right. If you're mentally and emotionally ready for it, because the bad times actually make you who you are. How you push on for those bad times and not give up and succumb to the pressure, that makes who you are. And he said, if you're prepared for that, then Rocky, I'm all behind you. Oh, lovely. Sir, I have to ask you, how did you rely yourself on this boy? Did you see him work out in the gym? What did you see of him saying, acha, iske upar bhi tangna hai, I have to get down on this. You know, there's lots of tasks you had to do there. The rappelling and all, amazing work, Karan. You want to tell us, how did you just put all your confidence on his shoulders? I don't think I had a choice, but no, I know how strong he is. So I knew that I'll be safe. Yeah. And how has the experience been? Because it's breathtaking. Like, I'm so waiting to take a trip to Himachal. Was it a first for you? It's a first for me as well. And I am from Shimla, but I've never experienced, I've never gone to these locations. And it's been an emotional journey. And right now also, when I was watching the trailer, I broke down. I just got so, so emotional. इतने सारे पल हैं रिकाउंट करने के लिए. इट्स ओवर टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर क्वेश्चंस टू कम. फाइनली वी हैव करण देओल एंड सहर. थैंक यू सो मच सो मच सो मच फॉर बीइंग दिस काइंड एंड ग्रेशियस. क्वेश्चंस एवरीबॉडी, हैंड्स अप. करण, धर्म भाई सत श्री अकाल, एंड सहर, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट. सो माय फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड वेलकम टू बॉलीवुड. थैंक यू वेरी मच. सो करण, मेरा आपसे सवाल, जैसे आपने खुद कहा कि प्रेशर बहुत होता है, सो जैसे आपने कहा देयर इज वी कांट डिनाई द फैक्ट ऑफ द ऑन गोइंग डिबेट ऑफ नेपोटिज्म. सो व्हाट इज योर इनर टर्मोइल? बिकॉज समवेयर अराउंड यू हैव दैट प्रेशर टू कैरी ऑन द लेगेसी, बिकॉज नॉट ओनली यू आर द सन ऑफ सनी पाजी, यू आर ऑल्सो द ग्रैंडसन ऑफ आर बिलवड ही मैन धर्म जी. सो व्हाट्स गोइंग इन साइड यू, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ प्रेशर. Yeah. See, if you think of pressure, then you won't be able to ever move ahead in life. So you have to always stand as your own identity and do what you think is 100% in your heart. And at the end of the day, your work speaks for itself. So hopefully my work will speak for itself. Wow. Seher? Yes. Yes. So first, congratulations, you're looking so lovely. Thank you. Yeah, my question to you is, has this film,
make you more patient, and you know, it has helped you to go beyond your limits. Because I've read somewhere that, you know, there was one of the shot where you were giving retakes and you're not able to, you know, go for it, and you almost give up. So what do you want to say about it? Has this film, you know, make you a better person? Most definitely. I think whatever I've learned is because of this film. And because I always wanted to become an actor, I had no, I didn't know anything about acting. So whatever I've learned is because of Sunny sir. And this film has taught me a lot. Patience, most definitely being one of them. And oh my God, I'm really, really nervous today. And it's just so, I don't know, overwhelming right now. But yeah, patience most definitely is one of the things that I've learned. And obviously, you know, when you keep giving retakes, there's something that you keep, you know, you doubt yourself whether I'm doing the right thing. And also the fact that I got chosen out of, you know, an X number of girls, there was a lot more pressure to, you know, prove a point. So yeah, I mean, it's really taught me a lot. Next, Karan. KG class mein agar MA ka paper de diya jaye to kya karegi? Karan, this side. Karan, that breathtaking mountaineering scenes, you know. You definitely carrying the action scenes also very well. So what were your feelings that time? You're carrying, you have to take forward the legacy as well. And Sunny Paji is known for his action as well as romantic, performances. As I said again, I never thought of carrying on a legacy. See, filmmaking for me is all about the love and the art. So I thought just according to what the character required, I did it according to that. And these locations, they're breathtaking. And it was an experience for me that these places are actually there in India and they're more beautiful than Switzerland. So thank God to Dad for showing me all these places. And we should all actually explore our own country because there's a lot in it that we haven't actually seen. And that romantic scene, you know, when you say I love you and smooching her, coming close to her in front of Dad, of course, it is, you have to do as an actor. What were your fears and feelings, and was Dad present there and told you, hold her tight, you're not giving a befitting scene? No, Dad just left it to us because he's saying this is something that it's better that I don't tell you all. I'm behind the monitor and just be the character, feel it and go for it. That's what his advice was. धर्म जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसके अंदर इसका दादा आ गया। मैं बोलने वाली थी। आपकी और क्या-क्या qualities ली हैं धर्म जी? धर्म जी this side, धर्म जी इस तरफ। और कौन-कौन सी quality ली हैं इन्होंने romantic romance के अलावा? और आप शायरी अच्छी करते हैं। क्या क्या चीजें ली हैं बचपन में आपने जो एक्सप्लोर की हो इसके साथ? इट्स वेरी इनोसेंट स्वीट बॉय. मैं पकड़ता था कि मेरे पास बैठो, लेकिन निकल जाते थे. हर बच्चे का होता है कि अपने दोस्तों के साथ भागना, लेकिन दादा एक अपोते का प्यार ऐसा होता है कि दादा को एक टच से एक जिंदगी मिल जाती है. लेकिन वो मैं कैसे कैसे एक जप्फी डाल लेता था, लेकिन मुझे मालूम था इसके अंदर क्या है कि हमारे घर का जो संस्कार है मेरी माँ से मुझे मिले हैं. हम एक जॉइंट फैमिली हैं, इकट्ठे ही रह रहे हैं, तो वो चलता आ रहा है. अब मैं दुआ करता हूँ इस तरह ये चलता भी रहे. ये एक माँ का दिया, मैंने इनको दिया, बच्चों को, बच्चे इनको दे रहे हैं, तो उसी की वजह से ही इज़ वेरी इमोशनल, वेरी इंटेलिजेंट, खुदा दर्श है, इज़ जेंटल, good and very intelligent, more than I, because when he talks to me in the beginning, it's so difficult to talk the way he's talking. Main sochta hu ye mera pota hi hai. Yeah, so good the way he's explaining. I think main aur Sunny dono mil jaye to nahi kar sakte. Karan sir, would you like to see yourself as a romantic hero or an action hero like your father? See, I love action, so I would love to do a lot more action movies moving ahead. You said once that you would like to star in a remake of your dad's success film, Arjun. Yes, so yes. So would you do your film, the second film, as a remake of Arjun? Depending on the script. If the script and everything is right, I would love to do it because Arjun is one of my favorite movies of my dad. Karan, sir, did you anticipate that the Diwali issue,
Diwali release of the film would have been a better idea to release the film? See, it depends on work and the content at the end of the day. So if the work and content is good and the word of mouth is good, the movie will do well. So it doesn't matter whether you come on a holiday or you don't come on a holiday. We waited quite some time to release this movie. So we couldn't wait any longer. And I think everything is going right. People are liking the songs. The teaser has been appreciated. So it's all in God's hands. And hopefully everything moves ahead. Karan Shahar. बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, दिल को छू लेने वाला. आपके अंदर वो धर्म खुद ड्राइव करते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं. आप ऐसे हार्ड टास्क मास्टर के साथ काम करने का जो टफनेस था, जो चैलेंज था, वो कैसे आप लोगों ने दोनों ने अब उसको झेला है? कई वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता था क्योंकि यू नो कि एक और टेक, रॉकी यू आर नॉट डूइंग बैड, यू नो यू कैन डू बेटर, बट ही वॉज ओनली डूइंग इट फॉर द बेस्ट ऑफ अस. It was frustrating. I broke down. There were moments where I think I could not move on ahead as an actor. But looking back at it, if it wasn't for those moments, it wouldn't make me who I am. And it really helped me grow as a person and as an actor. So thanks to Dad, I am here right now. And I don't think I'll ever be able to repay him or my Dada. So hopefully from now on, I can start repaying them since I've entered the industry. सर, आपके लिए कभी कोई इमोशनल मोमेंट आया जब आपको लगा कि अब नहीं हो पा रहा है या कुछ ऐसा? बहुत बार, क्योंकि हमारे जो लोकेशंस थे वो हमारे लिए नहीं, पूरे क्रू के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे. तो हम हर रोज़ सुबह 40-45 मिनट हम तो ट्रैक के लिए निकलते थे एंड तब जाके शूटिंग करते थे. सब जीरो कंडीशन में हमने शूट किया. तो और हमें बर्फीले पानी में भी काफ़ी बार फेंका गया. तो बहुत बार ही ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ लगता था कि यू नो बहुत हो गया अब, यू नो. बट आई थिंक नाउ व्हेन वी सी the end product, we're more than happy. And like, you know, a big thank you to Sunny sir for actually, like Rocky said, for pushing us. Dharam sir, कहना चाह रहा हूँ कि इंद्रदेव भी लगता है कि हमसे ज़्यादा curious थे, पूरी दुनिया से ज़्यादा curious थे ये trailer देखने के लिए, इसलिए कल पानी इतना गिरवा दिया. आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ना कल जी भर के दुआएं बरस रही थी, आपको मौका दिया बाद में, दुआएं बरस रही थी, मैं तो यही कहूँगा. ये इतने ठंडे पानी में जो मैंने देखा, मैं भी करता था, मैंने भी किया वैसे, ऐसा नहीं, आप मुझे जानते हैं 60 साल से, लेकिन मैं कभी कभी ब्रांडी ले लेता था. करण योर सेंटर, करण योर सेंटर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए बहुत बहुत बधाई. और आप एक स्टार की फैमिली में पैदा हुए थे और जाहिर सी बात है आपके फैमिली में इतने सारे सुपरस्टार हैं, तो एक्टिंग का कीड़ा तो बचपन से होगा. आपने बहुत बार बोला भी होगा सनी सर को, कब लॉन्च करोगे, कब लॉन्च करोगे. उन्होंने ये भी बोला होगा, रुक जा, सब्र कर, मौका देख के करेंगे. तो आप कभी उनके अंदाज में रिप्लाई किया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर लॉन्च कब करोगे आप? देखिए, पहले तो मैं आई डिड नॉट रन बिहाइंड दैट कि मुझे लॉन्च करो लॉन्च करो. I did my training, I did my practice, and dad is like, when you're mature and ready, we will launch you. So I did not run behind him, ki mujhe launch karo, mujhe launch karo, wo to hua nahi tha. Aur maine wo dialogue bhi kabhi nahi bola unko. It was a very simple matter of fact discussion ki hum scripting pe kaam chalu kiya tha, fir uske baad shooting karne chalu kiye the. Scripting mein it took some time, because when you have to make a good script, thanks to our writers Ravi and Jassi, it was a tough challenge, but we eventually cracked it, and then after that we shot. Dharam sir, कहा जाता है कि बच्चे में अगर बाप दादा का गुण आ जाए तो बच्चे की लाइफ बन जाती है. तो आप इनमें जितनी अच्छी क्वालिटीज देखते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन सी आपकी अच्छी क्वालिटीज इनमें आए, क्या क्या आपकी क्वालिटीज नहीं आए, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है. अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप कुछ भी बन जाएंगे साहब, आप कुछ भी बन जाएंगे. अगर अच्छे इंसान नहीं है, यू आर दिस टू मी. एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. आप अच्छा इंसान क्या होता है, अपनी आत्मा से पूछिए, वो बता देगी कि अच्छा इंसान क्या होता है. बच्चे, आपकी आत्मा बता देगी अच्छा ही है, मैं इधर जाऊँ इधर नहीं जाऊँ. सो आई वॉन्ट कि एवरीबॉडी शुड बी, जिस दिन अच्छाई आ गई, हर इंसान ने सोचा कि मैं अच्छा इंसान बनना है, तो शायद अमन सुकून हो जाए धरती पर. हम बनते नहीं अच्छे, तो बस ये वो दौड़ है, इधर से इसको धोखा दे लो, उसको धोखा दे लो, कहाँ किसको गिराना है. अच्छे इंसान बनने, एक अच्छे इंसान कहने से ही बहुत कुछ आ जाता है. उसमें क्या क्या क्वालिटीज आप अंदाज़ा लगा लीजिए. ओके, और क्या चाहते हैं कि आपकी क्वालिटीज नहीं आए? हाँ, वो एक तो दारू ने पी है और बहुत सी हैं, वो तो समझते हैं सारे. इतना 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 समझ आ रहा है कि दादा की कौन सी चीज़ नहीं लेनी, बाकी सब मालूम है.
हाय करण, दिस इज साक्षी फ्रॉम E24. आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप बहुत शाय थे पहले, तो आपने आपने कैसे वर्क किया कैमरा कॉन्शियस ना होने पर? बिकॉज फॉर बीइंग एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैमरे के सामने काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे और शाय ना रहे. सो हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट? आई डिड प्लेनी ऑफ वर्कशॉप्स, अलग अलग तरीके के वर्कशॉप्स, एंड देन आई असिस्टेड ऑन YPD2, एंड देन आई वेंट टू ईलिंग फिल्म स्कूल वेयर आई डिड अ फिल्म मेकिंग कोर्स फॉर 4-5 months, एंड दैट ओपन मी अप एज अ पर्सन. बट वैन यू आर एन एक्टर, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, यू आर नॉट प्लेइंग योर सेल्फ. So it doesn't matter what your actual personality is, you're playing something else in front of the camera. And when you get into that character, everything shuts off for you. It's just you, the camera, the actress, and you're in that moment. So it doesn't matter whether you're shy or not. If you love your work, it's, I can't explain it. It's a different feeling when you play that character on set. When you say your lines and you walk off and you know you've done it right, it's a different high and it's beautiful. Sahir, your center. आपके जर्नी की शुरुआत कैसे हुई फिल्म के जरिए? Like how I started, like how I got the role. Okay, so मैं मतलब शुरू से मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी बहुत छोटी उम्र से, और मतलब मेरी फैमिली को पता था इस बारे में, तो उनको ऐसे कुछ मतलब बिठा के बताना नहीं पड़ा कि मुझे एक्टिंग करनी है, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव शुरू से. तो जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म हुई, जब मेरा व्हेन आई फिनिश विद माई स्कूलिंग, उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे बॉम्बे ही आना है, यू नो, कॉलेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. लाइक आई सेड, आई एम फ्रॉम शिमला, तो वहाँ पर ना ही ज़्यादा एक्सपोजर है, ना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड जब मैं फाइनली इधर आई, तो आई थिंक दैट वॉज अ बिगेस्ट स्ट्रगल, द एक्चुअल स्ट्रगल जो शुरू हुआ मेरा, बिकॉज मैं आ तो गई इधर, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हाउ टू गो अबाउट इट, किससे मिलूँ, क्या करूँ. तो मैं इधर उधर जाती थी ऑडिशंस देने, हियर एंड देयर, एंड आई ट्राइड माई लक, बट कुछ नहीं हुआ. देन 8 months इन टू द कॉलेज मैंने एक पैजेंट में पार्टिसिपेट किया, एंड उसके बाद आई हैपन टू विन दैट, एंड उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, मिस्टर कावेश सिन्हा, दैट वुड यू बी इंटरेस्टेड टू ऑडिशन. एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, एंड आई गेव माई 200%. एंड उसके बाद यू नो आई गेव अ कपल ऑफ राउंड्स ऑफ ऑडिशंस, एंड द लास्ट वन आई स्टिल रिमेंबर, सानी सर हिमसेल्फ डायरेक्टेड इट, एंड विद इन अ वीक आई गॉट अ कॉल की आई हैव बीन चोजन. हाय करण, हियर ऑन योर लेफ्ट. हाय करण, ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, एक्शन सीक्वेंस में स्पेशली सनी सर की झलक दिख रही है आप में. मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक आप बड़े पर्दे पर आए नहीं हैं, लेकिन आपके पास कई फिल्मों के ऑफ़र आए हैं, हमें ऐसा सुनने मिला है, कितनी सच्चाई है, किस फिल्म के ऑफ़र हैं, अगर आप हमें थोड़ी सी डिटेल दे दे तो. जब ये अनाउंस होगा तो आपको पता आ जाएगा. आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई एम सॉरी, यू नो आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट. हाय करण, हाय करण, हाय. वी हैड अ ब्रीफ इंटरेक्शन 5 years बैक इन अ पार्टी वेयर यू टोल्ड मी दैट व्हेन आई आस्क्ड यू द काइंड ऑफ फिल्म्स यू वुड लाइक टू डू, यू गिव अ शॉर्ट इंटरव्यू टू मी एंड यू सेड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. आई मीन वी आर ऑल वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल एट होम, एंड वी एंड इट वुड बी obviously action roles. So I think you going forward you would prefer doing more action. I would prefer doing action, but one thing I'll honestly tell you, like, I love film so much, would love to do animated voiceover, I would love to do comedy, I would love to play a villain, any script or character that excites me and if it touches my heart, I would love to do it. So there's no specific thing that I only want to do action if the script, the character excites me, because for an actor it's very important for you to step out of your comfort zone. That's the only time you'll actually grow. So I would just love to do all type of work, but action touches my heart. Also, this is a romantic film and there's a generation gap, like your dad directing you. So did you give your inputs, like it could be done differently because times are different and... See, one thing about my dad, the amount of movies, the TV shows that he watches of current age, like he watches more stuff than me. So he's very in touch with what is relevant and how cinema is moving. So when we used to discuss with our writers, Ravi and Jesse, he used to be very in the moment. So it was no such argument like this is outdated or that. He was very in the moment with the contemporary stuff that was happening. Love can never be outdated. It's always there, same feelings, planned thing. So, I don't know. Sharik? Pal Dil Ke Paas Toh was a beautiful song. We all love it.
That's why we did not want to recreate the song, because that song is so special to so many people who have grown up listening to it. It wouldn't be doing it justice by remaking it. So hopefully with the title track that we've made, hopefully you guys think of it as almost, I wouldn't say on the same level, but almost as good. Karan ji, aapke left mein. Yeah. You know, Karan ji, jaisa ki hum sabhi jante hain ki aapke left mein. Up. Sorry, wo light. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके घर में सभी एक्टर हैं एंड सभी सुपरस्टार एक्टर हैं, लेकिन इनके अलावा वो ऐसा कौन सा एक्टर है जिनसे आप बहुत ही इंस्पायर्ड हैं, या हम कह सकते हैं कि जिनके आप फ़ैन हैं, जिनकी फिल्में आप बहुत देखते हैं? एक तो विकी कौशल है, मैंने संजू देखी है लव पर स्क्वायर फुट, और फिर उरी, ही इज़ वेरी वर्सटाइल एंड अमेजिंग एट वॉट ही डज. देन देर इज़ रणवीर सिंह, गली बॉय, सिम्बा, those were also amazing work. I think jo aaj ki generation ke actor hai, they're really pushing the limit and trying to do something different in cinema. There's Ranbir Kapoor, Varun Dhawan, there's all of them. Like, I love their work, and to work with any one of them would be a blessing to me. Shariq, what is the strategy Seher? Of releasing the Ji? Film? Shariq, what is the strategy? How many theaters? And so we are looking at 1,000 odd locations across India, maybe more, depending on so that's the plan right now, and of course it'll get a wide international release also. So we are confident of the film and hoping that the audiences love it. Yeah. Seher ji, same sawal aapse. Ji. Aap kin se bahut hi inspired? मुझे आई थिंक देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, बट आई थिंक आलिया भट्ट मुझे बहुत ही एफर्टलेस लगती हैं, एंड शी इज़ सो नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एंड देयर सो मेनी अदर्स, आई एम अ बिग करीना कपूर फैन, प्रियंका चोपड़ा, एंड आई थिंक अमंग्स द एक्टर्स आई'd से आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ वरुण धवन. एंड यू नो करण जी, आपने अभी अभी जिनका नाम लिया वो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और अब आप भी हैं, तो अब आपसे भी काफ़ी टफ, आपको भी चैलेंज देना होगा इन सभी को. देन हमारे मार्केट में वही चलता है जो अच्छा करता है, तो कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए? विदाउट कॉम्पिटिशन यू कैन नॉट थ्राइव एनीवेयर, सो द कॉम्पिटिशन ओनली मेक्स यू बेटर. सो थैंक्स टू द एफर्ट्स, आई विल वॉन्ट इन साइड दैट फायर इज बर्निंग, एंड होपफुली आई विल बी एज गुड एज देम इन अ कपल ऑफ इयर्स. धर्म जी, आप कैमियो में नजर आएंगे क्या इस फिल्म में? जी नहीं, इसमें मैं थोड़ा शाही फील कर रहा था इन सबके सामने. क्यों? अब नए लड़कों के सामने धर्मेंद्र क्या करेगा बेचारा. मैं बात कहना जी चाहा, मैं अच्छे इंसान की बात चल रही थी कि मैंने अच्छा इंसान होना जरूरी है, तो सबसे एक क्वालिटी मैं बता देना चाहता हूँ, वो क्या है. मेरा बेटा सनी, उसके लिए आज ये एक बहुत बड़ा दिन था, लेकिन वो इसको छोड़ के उन माँ बच्चों के पास चला गया है जो रो रहे हैं, करला रहे हैं पंजाब में. तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी है. मेरे पास आया, पापा तुम आप संभाल लेंगे मेरे बेटे, तुम जाओ मैं सब संभालता हूँ इधर. ये एक निशानी है अच्छे इंसान होने की. हाय कारण, I can do anything. I'm mushroom again. You know that. I'm very child. I'm full of love, full of action, full of still. That's my life. You can see on my farmhouse what I do, all that. It shows I'm still son of the soil. Dharti putra hoon. Umesha strong rehte hain. Hi Karan, on your left. Here. Yeah. So this is Akash Bhatnagar from Mumbai Mirror. I wanted to ask you that since the release of your film got delayed a bit, also the shoot of the film also got delayed because of the weather conditions. So was there any time that you feel anxious about the fate of the release of the film? See, obviously when things get pushed and delayed, when it's not in your hands, you feel low, you feel like things are not going your way. But luckily we persevered, we pushed through it, and I'm here now, right now, talking in front of you with the release date just a couple of weeks ahead. So God was seeing, and hopefully God has seen the whole hard work the whole unit has done and put to it, because filmmaking is a team effort. There's not one person that drives the movie ahead. So without the camera team, without the writers, the spot boy, the light man, without Chunni and his team, without Akshay, without all of them, we would have not been able to do this. So I want to thank all of them. And I love my Palpal Dil Ke Paas team.
Karan, your father has entered politics. Karan, your father has entered politics. What would you like to say? Because he is totally from the entertainment field. See, my dad always does what's right, and when he decides to do something, he doesn't let go of it. So I know with this decisions he's done, he will definitely try to make the most of it, and he thinks from his heart. So he will do all from his heart and hopefully push things ahead in his constituency. Dharamji, कुछ बोल रहे थे आप, बोल दीजिए. नहीं, मैंने कहा सनी के बाप ने, इसके दादा ने पॉलिटिक्स की ABC नहीं पढ़ी थी साहब. हमें वो लोकसभा राज्यसभा क्या होती हैं कुछ इलम नहीं था. हमें भी भगवान ने कहा जाओ धर्मेंद्र बीकानेर की खिदमत करो. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी चैलेंज करके भी कहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ मीडिया वालों से, मेरे भाइयों से, एक नज़र वहाँ बीकानेर में मार लीजिए जाकर, ताकि मुझे मेरा श्रेय मिल जाए. आई एम श्योर ऑफ सनी ऑल्सो, सो वी विल डू इट. हम लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं साहब, हम इंसान, पहले अच्छे इंसान हैं, फिर एक्टर हैं, फिर बाकी सब कुछ हैं. तो वो करेगा, वो उसको बहुत सी, ही हैव टू फेस सो मैनी थिंग. आज ही शुरू हो गए, तुम तो वहाँ हो, ये करते हो, यहाँ क्या करोगे, वो क्या करोगे, यहाँ तो तीर लेके बैठे हुए रहे, कहाँ से, चारों तरफ से कोई अप्रिशिएट करते ही नहीं कभी. तो इसमें भी हम निकलते हैं, करके बताएंगे, वो करेगा. क्या कि घर में एक जीन्स में भी आ जाता है, देख रहे हैं, इट इज़ नेचुरल. ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे में एक क्वालिटी होती है, इसमें ये होगी, इज़ एन इमोशनल पर्सन. तो मेरा क्या है कि जब इसका भी ये, इसने ना कोई बात जब कहे ना बनी होगी, कोई बात जब सुने ना बनी होगी, इसकी तन्हाई इसकी खामोशी से, खामोशी इसकी तन्हाई से बातें करने लगी होगी. और उसने गुफ्तगू खामोशी और तन्हाई लिख ली होगी. वही दिल को छूती है साहब, आपकी खामोशी और आपकी लोनलीनेस जब बातें करती है, वो क्या बातें होती हैं, मुझसे पूछिए, इससे पूछिए. आप भी करते हैं लेकिन आप लिखते नहीं हैं, आप भगदड़ में रहते हैं ना, ये भी जाना, आज फिर जाना, तो लिखना चाहिए. दिल, लोनलीनेस एंड साइलेंस, टॉक ए लॉट, बहुत कुछ बोलती हैं. कभी बैठ के सोचिएगा, समझिएगा, और हो सके तो लिखिएगा. Yes. The relationship been with the Deol family, and did you get a chance to meet Bobby Deol as well? Yes, I've met everyone, and I think after spending so much time with everyone, they're like family to me now. And Karan for sure is a friend for life. Dharamji, one second. If it wasn't for her and her performances in certain scenes, it wouldn't have uplifted my own performance. So my performance is only as good as hers. Last two questions, haan, please. Dharamji? Yeah. Ji. Ye teesri peedhi hai aapke parivar ki. Isme kaun si aisi cheeze hain, kaun si aisi baatein hain jo aapko lagta hai ki आपकी और सनी की ली है करण ने? आपने करण को सुना, दिमाग से सुना या दिल से सुना? जी, मेरे जी, एक सवाल का जवाब दीजिए. जी जी, लेकिन आपके दिल ने सुना तो आपको दिल क्या कहता है बताइए, आप दिल क्या कहता है आपका, कैन यू कैरी इट? बिकॉज लेकिन हम लोग कहेंगे अपने घर की सब अपनी तारीफ करते हैं, बच्चों की तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है आपकी जबान से निकले कि आपने क्या चाहा, आप क्या सोच रही हैं, कहाँ तक ले जाएगा, वो तो मंजूर तो उसको होता है, लेकिन आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है. आपकी आवाज़ बता सकती है, आपने उसको सुना, जी भर के सुना, काफ़ी देर से बोल रहा है वो, आपके दिल को छुआ होगा. नहीं, संस्कार जरूर लिए हैं बहुत, लेकिन अगर एक्टिंग और दूसरी चीज़ों की बात करें तो वो उसमें आपको क्या लगता है? मैं गाँव से आया था साहब, कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गया, मुझे रिएक्शन आता है, एंड एक्टिंग इज जस्ट रिएक्शन. और इमोशनल इंसान रिएक्ट फास्ट करता है. किसी ने कुछ प्यार से बोल दिया तो काम से, किसी ने कहा पी ले दो घूंट तो बोतली पी गए. मतलब हम ऐसे लोग हैं,
इमोशनल है, इमोशनल आदमी रिएक्ट कर, इमोशनल आदमी कुछ बुरा कह दे तो कर, वो भी है, यू नो वी रिएक्ट फास्ट, पर हमें मालूम है सिचुएशन की, अगर मैं प्रतिज्ञा में ट्रक ड्राइवर हूँ तो पुलिस ऑफिसर बन गया तो गाना कैसे गाएगा वो, ऐसे ट्रक ड्राइवर की तरह गाएगा, वो हमारे अंदर क्वालिटी है। मैं भी कहीं सीख के नहीं आया था कहीं से, आपके सामने हूँ, 60 साल हो गए, चल ही रहा हूँ, तो ये भी करेंगे, कर लेंगे सब हम लोग आपके, और बगैर आपकी दुआओं के, उसके आशीर्वाद के कुछ नहीं होता, ये भी मैं कहता हूँ, और दुआएं लेनी हमें आती हैं। हेलो, मुझे पिछले दिनों लगा, मैं बहुत ज़्यादा बकवा करता हूँ तो उनको बोलना चाहिए, मैं इसीलिए बोला नहीं कुछ ज़्यादा। नहीं, ये उस तरह, मैं तो चाहता हूँ इस तरह से आए, लाड प्यार करें, वो अभी वक्त बदल गया कुछ, हर चीज़ जैसे मोहब्बत तो नहीं बदलती कभी, उन्होंने पूछा लव का क्या है, लेकिन लाइफ में एक स्पीड आ गई है, फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, फट 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 करो इसको, सब एक दो भगदड़ में रहते हैं, हमारे वक्त में ठहराव था, मैं भी माँ बाप के पास बैठता था, ये भी बैठते हैं, लेकिन को फिर लगा तो ही इज़ गुड। शैतान बेचारा, पहले देखो मैं, मेरे पास एक गन थी 30 स्प्रिंगफील्ड, मैं एक रिवॉल्वर रखता हूँ, तो ये सुबह वेपन, बड़े पापा, ही कॉल्स मी बड़े पापा, बड़े पापा वो वेपन, वो रिवॉल्वर दिखाओ, मैंने दिखाया तो एक दिन मैं लोड था, गन लोड थी, तो लकीली जो मेरी फॉल्स सीलिंग थी ऊपर, ऊपर छत भी ऐसी कमज़ोर थी, तो पट्ठे ने ट्रिगर दबा दिया, तो मैं सुन यार ये कुछ भी हो सकता है, मेरी दुकान ऊपर थी, थोड़ी देर सन्नाटा हो गया यार, कुछ भी हो सकता था, तो मुझे कहता है बड़े पापा आई गो डाउन, मैं गो डाउन यार, तो मैं मेरे हिला के रख दिया, फिर उसके बाद आया नहीं, मेरे पास काम आने लगा, पता नहीं क्यों, फिर शुरू में आता था, गुड बॉय, लव हिम। लास्ट क्वेश्चन, हेलो हेलो, लास्ट क्वेश्चन, हे हाय करण, दिस इज रवि गुप्ता हियर फ्रॉम फिल्मी फीवर, many many congratulations for your debut film. Thank you. And entire team. Karan, ek pita jo hota hai, you know, bahut acha dost hota hai, saath hi saath bahut acha shikshak bhi hota hai. Aaj teachers day hai. Koi aisi baat aapne Sunny sir se seekhi ho jo aap apne real life mein retain karte hain, aur aisi baat aap sabko batana bhi chahenge jo hamari youth ko follow karna chahe? See, dad always told me never to give up. Because a lot of his movies didn't work in between, and I saw him over there as a child at the age of 13-14. He had a back problem, he couldn't get out of bed, and as a child you think, what can I do for my father, dad, I also want to work, but at that age unfortunately I couldn't do anything to make him feel better. But he always says that at these moments that's what shape you as a man, and never give up and always push on, and my father has never given up. And he's always told me, what you feel in your heart, 100% do that and never give up, because the world is ready to put you down. But it is up to you to stand up, stand tall and move on like he has, and hopefully I've learned that from him. Karan ji, and Seher ji, aakhri sawal ye, you know, ki present time mein jo actor aa rahe hain, wo bahut hi acha gaana bhi gaate hain. And Karan ji, aapne Ranveer Singh ka naam liya, wo bahut hi acha rap karte hain. Seher ji, aapne Alia ka naam liya, wo bahut hi acha gaana gaate hain. Aap log bhi aise gaana कोई गात गुनगुनाते हैं या इच्छा रखते हैं या हम फ्यूचर में देखेंगे आप लोग? You rap. I did hear your voice in one of the songs. Rap, but no, your favorite. कुछ भी आप गा सकते हैं अगर आप गाना गाते हैं. सहर जी, Eminem का गाना है. Haley, I know you miss your mom and I know you miss your dad. When I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I could see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry 'cause you're scared. I ain't there. Daddy's with you in your prayers. No more crying, wiping tears. Daddy's here. No more nightmares. सहर जी, आप भी गाती हैं? नहीं, मैं नहीं गाती हूँ. बादल यू बरसता है, कल उन्होंने गा लिया था इंस्टाग्राम पे. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. लव यू ऑल. इट्स टाइम फॉर द पिक्चर. थैंक यू. थैंक यू विद दिस गॉर्जियस फैमिली. धर्म जी, आप लो एंगल से लेते हो मेरे दोस्त. हां, सब बोल रहा हूं.